हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सनी की साढ़े साती या फिर ढैया से बचने के कुछ अचूक उपाय। यदि आप इनमें से किसी एक उपाय को भी करते हैं तो सनी देव की कुपित वाली दृष्टि है वो आपसे हटती है और अच्छी वाली कृपा दृष्टि आप पर सनी देव बनाए रखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो नवग्रह हैं, नवग्रहों में से एक सनी देव भी हैं। यदि हमारे शनि ग्रह मजबूत होंगे तो हम पर सदैव अच्छी वाली कृपा दृष्टि ही वो बनाए रखेंगे। तो देखिए, यदि आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो देखिए, शनि देव का नाम जहन में आते ही घबराहट महसूस होने लगती हैं, खासकर तब जब व्यक्ति शनि की साढ़े साती या फिर ढैया से परेशान चल रहा हो। शनि महाराज हैं, दंड के स्वामी माने जाते हैं, जो सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो देखिए, शनिवार के दिन यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो निश्चय ही आपसे शनि देव महाराज हैं, कुपित वाली दृष्टि हैं, वो हटा लेते हैं। आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन बगैर किसी को बताएं अपने जो काले रंग के चमड़े के जूते या चप्पल आपने पहने हुए हैं, वो किसी भी मंदिर में जाकर आप उन चप्पल या जूतों को वहाँ पर छोड़ आइए और पीछे मुड़कर आप ना देखें। मंदिर में जूते चप्पल छोड़ना एक शुभ संकेत माना जाता है शनि के दोष से बचने का। तो शनिवार के दिन आप ऐसा जरूर करें। यदि शनिवार के दिन आपके मंदिर में जूते चप्पल चोरी होते हैं तो ये आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है, तो आपको अच्छा ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जूते चप्पल कोई उठाकर ले गया है, तो आपको अपशब्द किसी को नहीं बोलना है। शनि देव की कृपा पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कर्मों में आप सुधार करें, किसी का बुरा ना करें, गलत कार्य करने से बचें, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि इन मंत्रों का जाप आप करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं और आपकी साढ़े साती या ढैया के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। कहा जाता है कि शनि भगवान शिव जी की उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए शिव सहस्त्र नाम या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। इसी मंत्र में यदि आप ओम लगा देते हैं तो यह षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो जाता है। शनि भगवान हनुमान की उपासना करने से भी प्रसन्न होते हैं। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का आप पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार मीठा प्रसाद चढ़ाएं, प्रतिदिन पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनिवार को ही अपने हाथ के नाप का 29 हाथ लंबा काला धागा लेकर उसको बटकर माला की तरह गले में पहन लें। ऐसा करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। घर के किसी अंधेरे भाग में लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रख दें, इससे भी शनि देव हैं वो प्रसन्न होते हैं। यदि आप शनि साढ़े साती या फिर ढैया से परेशान हैं तो शनिवार के दिन बगैर किसी को बताएं अपने काले रंग का चमड़े का जूता चप्पल मंदिर में जरूर छोड़ कर आएँ। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाइए और काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी शनि देव की अपार कृपा आप पर बरसती है। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रही है तो आप शमी के वृक्ष की जड़ को काले कपड़े में पिरोकर शनिवार के दिन शाम को दाहिने हाथ में बांध लें। फिर शनिवार का जो मंत्र है, शनिदेव का जो मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की तीन माला आप जाप करें। ऐसा करने से निश्चय ही शनि देव की जो ढैया है आप पर वो खत्म हो जाएगी। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनके कुछ सिद्ध मंत्र हैं, उनका आप जाप करें। आपको इन मंत्र का जाप शनिवार को विशेष रूप से करना है। यदि संभव हो सके तो 108 मनकों की माला जो आती है, एक माला का आप जाप जरूर करें। और यदि 108 मनकों की माला आपके पास नहीं है तो जितना भी आपसे बन सकता है उतना इन मंत्रों का आप जाप करें। तो देखिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः,
शनिवार के दिन यदि आप जल में गुड़ या चीनी मिलाकर पीपल के वृक्ष में आप जल देते हैं तब भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और सरसों के तेल का दीपक भी यदि आप पीपल के वृक्ष में संध्या के समय शनिवार में यदि लगाते हैं तो शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि आप पर बरसती है, धन संबंधी परेशानी भी आपसे दूर हो जाती है। तो इन छोटे छोटे नियमों को, इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो शनि ग्रह हैं आपके मजबूत होते हैं और आपके घर परिवार में कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। शनिवार के दिन यदि आप कुछ छोटी छोटी बातों को और ध्यान में रखेंगे तो आप पर शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि है वो बरसेगी। जैसे कि आपको शनिवार के दिन काले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, इनसे भी आपका शनि ग्रह वो मजबूत होता है। यदि आप खाना बना रहे हैं तो खाने में आप उड़द की दाल, काले चने का प्रयोग इस तरह से आप कीजिए जो शनिदेव को पसंद है। इन चीज़ों को यदि आप नित्य सेवन करते हैं शनिवार के दिन तो आपका शनि ग्रह है वो मजबूत होता है। और यदि आप किसी को दान कर सकते हैं, मंदिर में यदि आप दान कर सकते हैं काले रंग से जो वस्तुएं हैं, जैसे काला कपड़ा है, लोहे की कील है, या जो काले तिल हैं, काले चने हैं, उड़द की दाल, इन चीज़ों को भी यदि आप मंदिर में दान करते हैं तब भी आप पर शनि की कृपा है वो बरसती हैं। या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते, किसी भिखारी को भी आप ये सब चीज़ें दान में कर सकते हैं। तो देखिए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।